सितारगंज में रिलायंस पेट्रोल पंप पर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने लगातार बढ़ रहे पेट्रोल डीजल के दामों के विरोध में नारेबाजी करते हुए विरोध दर्ज कराया। साथ ही जल्द बढ़े पेट्रोल डीजल के दामों को वापस लेने की मांग भी की। वहीं प्रदेश सचिव नवतेज पाल ने बताया कि प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर सितारगंज में रिलायंस पेट्रोल पंप पर बढ़े पेट्रोल डीजल के दामों को लेकर धरना प्रदर्शन भी किया गया और पेट्रोल डीजल के दामों को कम करने की मांग की गई। वहीं दूसरी ओर लाल कुआं में यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष सुमित्र भुल्लर पर प्रदेश सरकार द्वारा मुकदमा दर्ज किए जाने के विरोध में नगर के मुख्य चौराहे पर यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने संदीप बाबा के नेतृत्व में सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत का पुतला फूंका। साथ ही कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और कार्यकर्ताओं पर लगाए गए मुकदमे जल्द वापस लेने की मांग भी की है। बढ़ते हुए तेल के खिलाफ जो रोज ही तेल की कीमतें बढ़ा रही है भाजपा की सरकार, उसके खिलाफ आज कांग्रेसियों ने यहाँ पे धरना दिया है। प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर आज पूरे प्रदेश में सब जगह पेट्रोल पंपों पे जाकर धरना दिया जा रहा है, प्रदर्शन किया जा रहा है। वही हम सितारगंज में आज कांग्रेस के सब कार्यकर्ताओं ने धरना प्रदर्शन किया। तेल की कीमत जिस हिसाब से बढ़ा रही है, उससे महंगाई बहुत बढ़ रही है, आम जनता त्रस्त है। इसको कीमतों को उनको बड़ी कीमतों को वापस लेना चाहिए। हम अपनी मांग अपनी जो हम कर रहे हैं प्रदर्शन कर रहे हैं जनता के लिए कर रहे हैं, जनता के बीच में जाएंगे और जनता को जाके जो भाजपा की गलत नीतियाँ, जो भाजपा जो है तेल की कीमतें बढ़ाती जा रही है, उसके खिलाफ सभी क्षेत्र के लोगों के बीच में जाके आंदोलन को और तेज करने का काम करेंगे।